सरों का। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। आइए रुख करते हैं देश दुनिया की 100 बड़ी खबरों की ओर। जहांगीरपुर हिंसा में बड़ा खुलासा, पदरियों ने चलाई थी गोली, अंसार समेत अब तक 15 लोग गिरफ्तार। हाथों में पत्थर, पेट्रोल बम, रॉड लेकर जुलूस पर किया था हमला खरगोन, दंगों की एफआईआर में दर्ज शिकायतकर्ताओं का बयान। आरक्षण के लिए 10 लाख रुपए हो सकता है ओबीसी क्रिमिलेयर का दायरा, केंद्र सरकार ने गठित की उच्च स्तरीय समिति। भीषण गर्मी में भी खराब नहीं होने वाली कोरोना वैक्सीन विकसित कर रहा भारत, 37 डिग्री सेल्सियस पर 4 हफ्ते तक रहेगी प्रभाव। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की विधानसभा में खूब चले लोटे, कभी इमरान खान ने बताया था इसका मतलब, जिन्ना का भी लिया नाम। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में हुई हिंसा पर एक्शन में सरकार, गृह मंत्री अमित शाह ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। हनुमान जन्मोत्सव की शोभा यात्रा पर दिल्ली और हरिद्वार में बवाल, पथराव, आगजनी और हिंसा में कई घायल, यूपी और उत्तराखंड में हाई अलर्ट। भोपाल में गंगा जमुना तहजीब की झलक, मुस्लिम समुदाय के लोग ने हनुमान जयंती पर निकले जुलूस पर बरसाए फूल। कोयला उत्पाद बढ़ाने की चुनौती से पार पाना हो रहा मुश्किल, समय पर खनन नहीं करने वाली कंपनियों से वापस लिए जाएंगे कोल ब्लॉक। केरल में एक और आरएसएस कार्यकर्ता की हत्या, दुकान में घुसकर तलवार से मार डाला, भाजपा के एसडीपीआई ने ठहराया जिम्मेदार। असम में तूफान और भारी बारिश से 14 लोगों की गई जान, हजारों की संख्या में घर हुए क्षतिग्रस्त। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा, ई संजीवनी के ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ती स्वास्थ्य सेवा हुई सुलभ। फिर बड़े विमानों में ईंधन के तौर पर इस्तेमाल होने वाली एटीएफ के दाम, महंगा होगा हवाई सफर। मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए रूस से हेलीकॉप्टर सौदा टला, वायुसेना लेने जा रही थी 48 MI-17 V5S हेलीकॉप्टर। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, यूपी बोर्डिंग स्कूल में लड़की की नौक, सीबीआई करेगी जांच। पूर्व मंत्री नकुल दुबे बसपा से निष्कासित, मायावती बोली, पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने पर उठाया कदम। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आगरा के फ्लेटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट को रखा प्राथमिकता में, अब 100 दिन के अंदर होगा तैयार। गोरखपुर में सीएम योगी ने अधिकारी को चेताया, बक्से नहीं जाएंगे भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारी। नेपाल सीमा तक पहुंचेंगे भारतीय रेलवे के कंटेनर, भारत नेपाल सीमावर्ती क्षेत्रों में व्यापार को मिलेगा बल।
अंबेडकर नगर में नियंत्रित होकर नहर में जा गिरी कार, डूब नगर निगम की कर्मी की मौत। नेहरू युग में नियति, नीति और नियत का संघर्ष, जब गांधीवाद को ही कर दिया अपराध सांसिक। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का वो शूरवीर जिसे अंग्रेजी भी नहीं भुला पाए, लंदन म्यूजियम में है जिनके जुड़े वस्तुएं। खेलते वक्त बच्चे अगर थकान महसूस करते हैं तो हो जाएं सावधान, हीमोफीलिया के शिकार। गोरखपुर के डीएम का बड़ा एक्शन, 75 अधिकारियों से 136 गांव का कराया गया औचक जांच। गोरखपुर में 100 दिन के भीतर 50 से अधिक औद्योगिक इकाइयों का भूखंड देगा गीडा। लखनऊ में नहीं बुक कर सकेंगे ओला और उबर कैब, किराया बढ़ाने की मांग को लेकर हड़ताल पर रहेंगे चालक। आतंकियों से सीधे संपर्क में था गोरखनाथ मंदिर परिसर में हमला करने वाला मुर्तजा अब्बासी, ली थी ऑनलाइन शपथ। बुलंदशहर में सेल्समैन की गोली मारकर हत्या, सड़क किनारे मिला शव। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने के नाम पर संबल का गिरोह सक्रिय, फोन कर मांग रहा रुपए। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का भाजपा सरकार पर तीखा वार, बोले सत्ता संरक्षित अपराधी प्रदेश में बरपा रहे हैं कहर। जेल के हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा गया मुर्तजा, गोरखनाथ मंदिर पर हमले के आरोपी मुर्तजा को न्यायालय ने भेजा जेल। मुजफ्फरनगर में पूर्व प्रधान की चाकुओं से गोदकर हत्या, पुलिस चौकी के पास मिला शव, इंचार्ज हुआ निलंबित। धूमधाम से निकाली गई भगवा हनुमान की शोभा यात्रा, फूल मालाओं से हुआ भव्य स्वागत। ट्रेनों में कंफर्म टिकट का संकट, दिल्ली मुंबई सहित कई स्थानों से पूर्वांचल आने वाले यात्रियों की बड़ी मुश्किलें। कानपुर में रामोत्सव का आगाज, श्रीराम की वेशभूषा में युवा देंगे समरसता का संदेश। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने मेरठ के वेलनेस सेंटर में किया योग, बोले इससे ठीक होती है असाध्य बीमारियां। माखी कांड में वकील ने छोड़ा मुकदमा, दुष्कर्म पीड़िता ने के चाचा ने कोर्ट में मांगा समय। अलीगढ़ पुलिस ने अपराधियों का खोला कच्चा चिट्ठा, 13 थानों में ताबड़तोड़ कार्रवाई। बागपत में बकरे के 1500 रुपए के बकाए के लिए युवक ने गोली मारी, पिता और भाई भी घायल। मानव वन्य जीवन संघर्ष को लेकर चिंतित हुए पीलीभीत सांसद, वरुण गांधी जल्द करेंगे विशेषज्ञों के साथ मंथन।
कोरोना के बढ़ते मामले देख सीएम योगी आदित्यनाथ के एनसीआर क्षेत्र के शहरों में अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश। अहमद मुर्तजा अब्बासी को गोरखपुर कोर्ट में पेश करेगी एसटीएफ, देंगे रिमांड बढ़ाने की अर्जी। दिल्ली में पथराव की घटना के बाद यूपी में हाई अलर्ट, हर छोटी घटना को भी पूरी गंभीरता से लेने के निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अन्न के रखरखाव की चिंता, बोले बेहतर से खाद्यान्न प्रोक्योरमेंट। उत्तर प्रदेश में 48 घंटे के बाद एक और प्रशासनिक फेरबदल, 3 डीएम सहित 6 आईएएस अफसरों का तबादला। हरिद्वार में शोभा यात्रा पर पथराव, देर रात 1:30 बजे तक चला बवाल, 6 लोग हिरासत में, 11 नामजद और 30-40 अन्य पर मुकदमा। गलियों में बड़ी संख्या में पड़े मिले पत्थर, पुलिस ने ग्रामीणों की छत पर भी ली तलाशी। फिर से तापमान चढ़ने से मैदानी क्षेत्रों में लोग बेहाल, 24 घंटे बाद खुला गंगोत्री हाईवे। हरिद्वार में शोभा यात्रा पर पथराव के बाद उत्तराखंड में हाई अलर्ट, देहरादून में भी धार्मिक रैली के दौरान 2 पक्ष आए आमने सामने। हरिद्वार में हनुमान जयंती पर निकाली जा रही थी शोभा यात्रा की, तभी शुरू हो गया पथराव, आगजनी और तोड़फोड़, तस्वीरों में पूरा घटनाक्रम। विधायक हरीश धामी ने कहा, भाजपा में नहीं जा रहा, कांग्रेस की उपेक्षा होती रही तो अगला निर्दलीय लड़ूंगा। बजरंगबली के जयकारों से गूंज उठी द्रोण नगरी, देहरादून नगर में निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। जंगलों में गंभीरता से हो जल संरक्षण तो थमेगी आग, अब तक हो चुकी है आग की 523 घटनाएं। उत्तराखंड में भीतर घाटियों पर निर्णय लेगी भाजपा की अनुशासन समिति, बदलाव का फिलहाल कोई विचार नहीं। गर्मी से राहत पाने को पर्यटकों ने किया मसूरी का रुख, मॉल रोड, कैंपटी फॉल और इको में दिखी खासी रौनक। उत्तराखंड में बेहतर ढंग से हो सकेगा वन एवं वन्य प्रबंधन, बढ़ेगी वन प्रभागों की संख्या। विकासनगर में बिस्सू मेले से वापस लौट रही कार खाई में गिरी, 4 की मौत और 1 घायल। देहरादून में महिला की लाश मिलने से मामले में आया नया मोड़, प्रेमिका की हत्या करने के बाद प्रेमी ने बंगाल जाकर की आत्महत्या। देहरादून में पुलिस ने 5 चोरियों का किया पर्दाफाश, फरार आरोपित गिरफ्तार, 20 लाख रुपए के गहने बरामद। नाबालिग से कुकर्म कर वीडियो की वायरल, आरोपितों को छुड़ाने के लिए भाजपाइयों ने देर रात घेरी कोतवाली। जिंदा रहना है तो हथियार डाल दे, जान बख्श दी जाएगी, रूस का मारियोपोल में लड़ रहे यूक्रेनी सैनिकों को अल्टीमेटम।
रूस के कब्जे में आया यूक्रेन का पहला बड़ा शहर खार्किव समेत 8 शहरों में लगी बम मिसाइल की झड़ी। राष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव और महाभियोग पर चर्चा के लिए विपक्षी दल की अहम बैठक। ट्यूनिशिया तट के पास तेल से भरा जहाज डूबा, पर्यावरणीय आपदा से लेकर जताई जा रही चिंता। सत्ता गंवा चुके इमरान खान ने अमेरिका पर लगाया आरोपों से लिया यू टर्न, कहा वो भारत अमेरिका और यूरोप समेत किसी भी देश के खिलाफ नहीं। हरिद्वार में शोभा यात्रा पर पथराव, यूपी की तर्ज पर आरोपितों को गिरफ्तार करने बुलडोजर लेकर पहुंची पुलिस। मॉर्निंग वॉक पर निकले रिटायर्ड हवलदार को कार ने कुचला, रिटायर्ड हवलदार की हुई मौत। टिहरी में 7 वर्षीय बच्चे को आंगन में उठा ले गया गुलदार, पास की झाड़ियों में मिला शव। राहुल और प्रियंका गांधी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी को लेकर कांग्रेस में रोष, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की आवाज पर किया घेरा। उत्तराखंड की चीन और नेपाल से लगी सीमा में 5 मोबाइल टावर तैयार। देश की टॉप 10 कंपनियों में से 7 का बाजार पूंजीकरण घटा, रिलायंस को हुआ सबसे ज्यादा नुकसान। फिनेट सेलर बने एफपीआईएस, भारतीय शेयर बाजार से करीब 4,500 करोड़ रुपए निकले। जेट फ्लू की कीमतों में इस साल लगातार 8वीं बढ़ोतरी, पहले कभी नहीं हुआ इतना महंगा। मैसूर की केनीज टेक्नोलॉजी लाएगी आईपीओ, 650 करोड़ रुपए का हो सकता है ऑफर। एचडीएफसी बैंक का शुद्ध लाभ 23% बढ़ा, कुल आय बढ़कर 4,885 करोड़। देश में आसमान छूती महंगाई से राहत दे सकता है सामान्य मानसून, मौसम विभाग अपना पहल पूर्वानुमान अप्रैल में और दूसरा मई के अंतिम माह में सप्ताह में जारी करता है। 5,000 रुपए मंथली इन्वेस्टमेंट पर हर महीने 22,000 की पेंशन, भविष्य में आर्थिक तंगी से ना गुजरना पड़े इसके लिए बेहतर है सही समय पर सही इन्वेस्टमेंट प्लान चुनना। पीएम जनधन योजना आम लोगों को बना रही सशक्त, आंकड़ों के मुताबिक पहले साल में मार्च। जेट फ्लू हुआ महंगा, हवाई सफर लगाएगा मोटी रकम की चपत, जेट फ्लू की नई कीमत अब 1,13,202.33 रुपए प्रति लीटर हुई। केंद्र की स्वतंत्र व्यावसायिक इकाई बनी अलायंस एयर, एयर इंडिया के विनिवेशों से पहले अलायंस एयर इसी का हिस्सा थी। हैदराबाद और पंजाब की संभावित प्लेइंग 11, जाने किसे मिलेगा मौका और कौन बैठेगा बाहर। हार्दिक पांड्या के सामने होंगे रविंद्र जडेजा, पिछले मैच में आरसीबी के खिलाफ जीत दर्ज कर टीम ने की वापसी की कोशिश।
शेन वॉटसन ने कहा 15,025 करोड़ रुपए में खरीदे जाने के लायक नहीं थे ईशान किशन। मुंबई के खिलाफ जीत के बाद केएल राहुल को झटका, स्लो ओवर रेट के कारण लगा जुर्माना। दिल्ली की हार में 5 खिलाड़ियों का है बड़ा हाथ, खिलाड़ियों का सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रही है दिल्ली कैपिटल्स। सीएसके और गुजरात के मैच में 2 नए कप्तानों की होगी परीक्षा। लगातार 4थी जीत दर्ज करना चाहेंगे सनराइज और पंजाब किंग्स। केएल राहुल ने धमाकेदार शतक से सचिन और सहवाग को छोड़ा पीछे, रच दिया इतिहास। मुंबई की शर्मनाक हार के बाद अंक तालिका में बदलाव, लखनऊ की टीम पहुंची दूसरे स्थान पर। चार साल बाद होगा आईपीएल में क्लोजिंग सेरेमनी का कार्यक्रम, बीसीसीआई ने जारी किया टेंडर। आलिया रणवीर के रिसेप्शन में जुटे सितारे, गौरी, शाहरुख, करण, अर्जुन, मलाइका ने जमाया रंग। कृति सेनन और कार्तिक आर्यन ने बॉसेस को कहा गुड बाय, खत्म की शहजादा के शेड्यूल की शूटिंग। KGF 2 की सुनामी में बही बॉक्स ऑफिस, तीसरे दिन भी की ताबड़तोड़ कमाई। सुखविंदर सिंह ने लॉन्च किया श्री हनुमान चालीसा, श्रीराम जन्मभूमि अयोध्या से है ये खास नाता। आर माधवन के बेटे दिव्यदांत ने डैनिश ओपनिंग स्विमिंग चैंपियनशिप में जीता सिल्वर। अजय देवगन ने रनवे 34 में अपने किरदार को लेकर क्या खुलासा, कहा फिल्म की कहानी बेहद ही दिलचस्प है। ब्रेस्ट कैंसर से जंग लड़ रही है 3 बहुरानिया की एक्ट्रेस छवि मित्तल, कहा मैं फिर पहले जैसी नहीं दिखूं। मनाली में शूट होगा एनिमल का पहला शेड्यूल, शादी के बाद इस दिन से काम पर लौटेंगे रणवीर। यश की एक्टिंग की दीवानी हुई कंगना रनौत, अमिताभ बच्चन से कंपेयर करते हुए रॉकी भाई को बताया इंडिया का एंग्री यंग मैन। अगर सिंगर बादशाह को कॉपी करेंगे करण जौहर, रणवीर सिंह और रैपर ने कमेंट कर कही बात। देश दुनिया की 100 बड़ी खबरों में इतना ही, बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।